पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, परम आईएएस ने 70वीं बीपीएससी के लिए डेली मेंस आंसर राइटिंग का एक कोर्स शुरू किया है, ठीक है। और ये कोर्स जो है 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए है। इसमें आपको डेली मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसको लिखेंगे, उस आपकी कॉपी को इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी कॉपी के साथ जो आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, साथ में फीडबैक दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें वाइड एक्सप्लेनेशन होगा, उसके अलावा आपको जो मॉडल आंसर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, उसके साथ साथ आपको उसके वीडियो फॉर्म में क्लास भी दिए जाएंगे। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग का अभी दूसरा दिन है, ठीक है। इस कोर्स के बारे में बता दूँ, ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्सेज है ये, और इस कोर्स में जो इसकी फ़ी है वो कितनी है, वो 3500 है, 3500 इसका जो है फ़ी है, कितना 3500, ये 3500 इसका फ़ी है। और ये जो 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने तक लगभग 90 डेज तक जो है आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग 70वीं बीपीएससी के लिए करवाए जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। और ये मीडियम भी है, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये बैच जो है, ये कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। ये दूसरा दिन जो आपको मिला है डेली मेंस आंसर राइटिंग में, उसके क्वेश्चंस हैं, आज उसी क्वेश्चंस में वीडियो फॉर्म में हम लोग आज उसका डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखा होगा आपने इसके बारे में, जो यहाँ का टेस्ट सीरीज चलता है, आंसर राइटिंग होती है, ये पिछले बैच की 67वीं बैच के सिलेक्टेड कुछ ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये हैं प्राची कुमारी, 35th रैंक है 67वीं बैच में, एसडीएम बनी है ये, परम आईएएस की स्टूडेंट थी, ठीक है। और ये जो है काजल है, बीसीईबीसी वेलफेयर ऑफिसर, ये भी 67 बैच की हैं, ठीक है। और ये यहाँ के स्टूडेंट रह चुकी हैं टेस्ट सीरीज में। और दूसरी जो है, यहाँ पे आप जो तीसरी देख रही हैं, इनका नाम रीमा है, ये जो है 68 बैच की स्टूडेंट है, सिलेक्टेड ऑफिसर हैं ये, और ये जो है आरडीओ में सिलेक्ट हुई हैं। ये सब आपको रिकमेंड कर रही हैं कि परम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज होता है उससे उसको कितना एडवांटेज मिला, क्या फ़ायदा मिला उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है, अब मेंस आंसर राइटिंग का जो डे सेकंड है, दूसरे दिन का, कल हमने डे वन का किया था, आज डे टू का करेंगे। इसमें आपको दो क्वेश्चंस मिले थे लिखने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एवरग्रीन रेवोल्यूशंस एंड फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन हाउ इट कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब सदाबहार क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके परिचय की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि यह जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम कर सकता है। 38 मार्क्स का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे उस पर बात करेंगे। इसका मॉडल आंसर भी आपको दिया हुआ है, इस मॉडल आंसर को ध्यान में रखते हुए आप आंसर को कैसे लिखेंगे, चाहे वो लॉन्ग में आ जाए शॉर्ट में आ जाए, उसके सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है वो वर्ड किसने क्वाइन किया था। तो ये वर्ड जो है एम एस स्वामीनाथन, स्वर्गीय एम एस स्वामीनाथन, पिछले साल इनका देहांत हो गया, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या करना है, हमको आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी को बिना जो है कृषि के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्टिविटी है उससे कंप्रोमाइज़ किए हुए हमको जो है एग्रीकल्चर करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम पानी और कम से कम जो है खाद और कम से कम भूमि, कम भूमि कम खाद और कम पानी से एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, उसी को एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, ठीक है। इसमें आपको इंट्रो में ये डालना है। दूसरा जो है कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नीच पड़ी इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो सदाबहार क्रांति है उसकी आवश्यकता क्या है। इधर हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख सकते हैं, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ी उस पर हम लोग बात करेंगे, व्हाई द एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज नीडेड। तो सबसे पहले देखना कि जो मिट्टी है, जो सॉयल है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसकी जो है क्षरण हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, सॉयल फर्टिलिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम फर्टिलाइज़र को बिना जो है वैज्ञानिक तरीके से यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉयल की फर्टिलिटी कम हो रही है। फेल्यूर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, 1996 से 97 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो फ़ायदा हुआ क्या हुआ, फेल्योर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका फ़ायदा सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों को मिला, जैसे पंजाब हो गया, इसमें एग्जांपल भी डाल सकते हैं आप, हरियाणा हो गया, और बेस्ट यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों को ही ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ। और बाकी जो नॉर्थ इंडिया की या ईस्ट इंडिया की स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल वगैरह हो गए, वहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो हरित क्रांति है वो असफल हो गई। तीसरा जो रीज़न है एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, वो है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, इसको कहते हैं भूमिगत संदूषण। भूमिगत जो जल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो जो है फर्टिलाइज़र की यूज़ की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर फर्टिलाइज़र चले गए, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया। चौथा जो वजह है लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी में मैंने ऊपर भी बात कर ली है कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से क्या हुई, ख़राब होती गई। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हुआ, जो हरित क्रांति हमने की है, बाकी जिस तरह से हम अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है,
ठीक है, वन उन्मूलन, वन उन्मूलन पे डालेंगे आप। वन उन्मूलन की वजह से जो है चीज़ें खराब हो रही है, जिसे क्लाइमेट चेंज की घटनाएं देखने को मिल रही है। रीजनल डिस्पैरिटीज, हरित क्रांति की वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज भी हुई। क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र जो है विकास के दौर में आगे निकल गए और क्षेत्रीय असमानता, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय असमानता, और कुछ क्षेत्र जो है कृषि के मामले में पिछड़ गए। जैसे पंजाब जैसा राज्य है, हरियाणा जैसा राज्य है, इसने जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास किया, लेकिन बाकी जो राज्य हिंदी बेल्ट के, जिसको कॉ बेल्ट भी कहते हैं, नॉर्थ इंडियन के स्टेट, वो पिछड़ गए खेती के मामले में, ठीक है, खेती के विकास के मामले, जिससे जो है दोनों क्षेत्रों में एक तरह की रीजनल या क्षेत्रीय विषमता देखने को मिली। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की वजह से जिस तरह से शहरीकरण होने की वजह से क्या हुआ कि जो गांव के क्षेत्र थे जहां पे खेती की ज़मीन थी, जहां पे तालाब थे, जहां पे हरित भरित क्षेत्र की ग्रीन कवर था, वहां पे क्या हुआ, वहां पे खेती की जाने लगी, जिससे क्या हुआ कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई, जैव विविधता में कमी हुई। और खेती जब हम करते हैं तो जब खाद का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीवाणु होते हैं या छोटे जो है जीव होते हैं, जो खेती के लिए या वहाँ पर जो हम खेती कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरतमंद होते हैं, आवश्यक होते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की वजह से उसकी जो है लॉस होती है और वो जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा सकते, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स, जैव विविधता के अंदर अस्थिर कृषि पद्धतियों का बढ़ता उपयोग, जो हम खेती कर रहे हैं उसमें हम जो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है NPK, जो खाद हम यूज़ करते हैं, NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये जो हम यूज़ करते हैं उसका जो एक रेशियो है 4:2:1 है, लेकिन हम इस अनुपात में यूज़ ना करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंचाई कितनी होनी चाहिए, किस मौसम में होनी चाहिए, कौन सी खेती करनी चाहिए किस मौसम में, उस पर ध्यान नहीं रखने की वजह से, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड की वजह से जो है हमारा जो है खेती का जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है, उत्पादन जो है घटता जा रहा है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि जो पानी जो है उस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जल जमाव की समस्या हो रही है, जो खेती के लिए सही नहीं है। फार्मर्स गेटिंग बर्डन बाय लोन्स, जो किसान हमारे देश के ज़्यादातर किसान कौन है, गरीब हैं, वैसे गरीब किसान जो है लोन के बोझ से दबते जा रहे हैं और वो और गरीब होते जा रहे हैं, डेब्ट साइकिल में फंसते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो यहाँ पे हमने नीड्स फॉर द एवरग्रीन रेवोल्यूशंस में हमने 10 रीज़न देखे, आप इसको चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं नीड फॉर द एवरग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति की आवश्यकता। आप इस पॉइंट्स को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी चाहें तो दिखा सकते हैं, एरो बना के, सर्किल बना के यहाँ पे पॉइंट्स को ई करके, उसके बाद जो है एक एक पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से आप पॉइंट्स को दिखाएंगे, नीड फॉर द एवरग्रीन रिवोल्यूशन, इसमें 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स को आप सर्किल में एरो बना के उसमें आप उसको हाईलाइट करके दिखाएंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को जो है आप यहाँ पे इलेबरेट कर देंगे। जैसे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे इलेबरेट किया गया है, देखा होगा फेलियर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आप उसमें थोड़ा मेंशन करेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, उसमें दिखा रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फेलियर की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, हमारे GDP में जो उसका GDP ग्रोथ रेट वो रुका है, हम जो भुखमरी और कुपोषण है उससे उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सारी वजह आपको बतानी पड़ेगी। कुछ डेटा है, डेटा को डालना बहुत जरूरी है, 35% वेस्टिंग हावर्स एंड 20% चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स के हैं इसमें ज़्यादातर। स्टंटिंग, बौनापन जो है 35% से ज़्यादा बच्चों में बौनापन हमें देखने को मिल रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन, जो हम NPK का यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का, वो अब वैज्ञानिक ढंग से है, उसका अनुपात हमें नहीं पता, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भूमि की जो उर्वरता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो रही है, कम होती जा रही है। शिफ्ट टुवर्ड्स लेस न्यूट्रिशियस क्रॉप, हम पैसे कमाने के चक्कर में जो है वैसे क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं जो पोषण के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में मोटे अनाज से कम पोषण वाले हैं, ठीक है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट्स, आज भी हम दाल के मामले में, तिलहन के मामले में बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें हमको डिपेंडेंसी लानी है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे बीज, वो बीज कैसी होगी, उच्च उत्पादक वाली हो, बीज होगी, हाई वेराइटी ईल्ड्स होंगी, ठीक है, सीड्स होंगी। ट्रेनिंग फार्मर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज हमारे देश के जो किसान है वो क्या अशिक्षित है, किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी नहीं आती, तो किसानों को उसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा कि वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करनी है। डबलिंग फार्मर्स इनकम, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है एवरग्रीन रिवोल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब चूंकि 2022 खत्म हो चुका है, 24 हो चुका है, तो आगे हम आने वाले समय में किसानों की आय को दुगनी या चौगनी कर पाएं, उसमें भी ये एवरग्रीन रिवोल्यूशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मेंटेनिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो पर्यावरण की सतत्ता है उसको भी मेंटेन करके रखना है, एनवायरमेंट खराब ना हो, वो सस्टेन रहे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको एवरग्रीन रिवोल्यूशन से, ठीक है, मिल सकता है। फार्मर्स वेयर इन्फॉर्म एंड एजुकेटेड,
वेदर एलर्ट्स, जो वेदर फोरकास्टिंग है, मौसम पूर्वानुमान है, जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, इसरो जो सैटेलाइट छोड़ती है, उससे हम किसानों को जो है पहले मौसम की चेतावनी दे सकते हैं, वर्षा होने वाली है, कितनी वर्षा होगी, कम होगी, सूखा पड़ेगा, साइक्लोन आने वाला है, इससे किसान जो है अपनी खेती के बारे में वैज्ञानिक ढंग से जो है सोच समझ के खेती कर सकें, ठीक है। दूसरा है ई क्रांति। ई क्रांति एक तरह का जो है गवर्नमेंट स्कीम है, सिस्टम है, जिसमें रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन, किसानों को उस समय उसके उपज की क्या दाम मिल रही है उसकी सूचना मिलती है। उसके अलावा जो है ऑनलाइन बैंकिंग फॉर पेमेंट, किसानों को जो है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा ताकि जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स से जुड़ पाएँ, एग्रीकल्चर जो ई नामा कहते हैं, है ना, ई कॉमर्स ई नामा। दूसरा आपका जा करके ऑनलाइन इनपुट ऑर्डरिंग वगैरह, कि अगर कृषि का जो बिक्री होगा, सेल परचेज होगा, वो ऑनलाइन हो, किसानों को इसे शिक्षित करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में, तभी हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स का जो है कंपोनेंट जो है उसका आप कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, मिट्टी की जो स्वास्थ्य है और उसकी उर्वरता है उसके बारे में जो है हमको इसके ध्यान रखना होगा। हाई यील्ड सीड्स, जो बीज है वो कैसे हो, उच्च उत्पादक वाली हो, ठीक है। और यूज़ ऑफ लैब टू लैंड डेमोस्ट्रेशन, जो हम खेती करेंगे वो खेती कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, ये भूमि और लैंड से जुड़ा हुआ हो, मतलब जो बीज है वो लैब में तैयार होगा, उसकी उत्पादकता देखी जाएगी, जांची परखी जाएगी, सॉइल्स की जो फर्टिलिटी वो देखी जाएगी, उसी के हिसाब से खेती किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसे किसानों को जो है जागरूक किया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हम जो सिंचाई करेंगे वो कैसा करेंगे, हम मानसून पर डिपेंडेंट तो होंगे लेकिन जो पानी होगा वो कैसा होगा, जो वर्षा का जल होगा उसको हम संचित करके रखेंगे ताकि सूखा क्षेत्रों में इसका यूज़ कर सकें। मिटिगेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का शमन, जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एवर ग्रीन रेवोल्यूशंस करेंगे तो, ठीक है। ये हमको जलवायु परिवर्तन के निपटने में भी हमको मदद करेगा, पानी की कमी से निपटने में हेल्प करता है, जहाँ पे पानी कम होती है वहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का हमको तरीका बता, टैकलिंग वाटर स्कैसिटी, रिड्यूसिंग, ये ग्रीन हाउस एमिशंस में भी हेल्प करता है, जो ग्रीन हाउस एमिशन है जिसकी वजह से जो भूमंडलीय तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसको भी रोकने में जो मदद करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। कार्बन सेक्रेशन, वैसे क्षेत्र जहाँ पे खुला क्षेत्र है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, एक तो जो खेत है उसको छाया मिलेगी, दूसरी बात यह है कि ये कार्बन एमिशन CO2 को सोखने की तरह के भी काम करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने में भी काम करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सॉइल्स के हेल्थ के बारे में हमको अवेयर रहना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड्स हमको किस अनुपात में यूज़ करना है, वो क्या करेगा कि उससे यूज़ करने से जो जलवायु परिवर्तन होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, उसको भी रोकने में हमको मदद मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें हमको एवरग्रीन रेवोल्यूशन के पॉइंट्स के बारे में हमने देखा कि जो सदाबहार क्रांति है वो हमें कैसे इम्पॉर्टेंट है। पहले आप उसका इंट्रो देंगे, कौन इसके जो वर्ड को क्वाइन किया, क्यों इम्पॉर्टेंट है सदाबहार क्रांति हमारे देश के खेती के लिए, क्योंकि आज भी हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अपने रोजगार के लिए, अपनी जीविका के लिए खेती पे निर्भर करती है, और ज़्यादातर किसान क्यों अशिक्षित है, तो वैसे किसान को जिसकी आजीविका 50% से ज़्यादा जो किसान है 90% के आसपास, वो किसान किस पे डिपेंडेंट है, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए खेती पे डिपेंडेंट है, और वो खेती कैसे करते हैं, आप वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, अनसाइंटिफिक मैनर में करते हैं। तो वैसे किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती के लिए प्रशिक्षित करना, खेती के तरीके बताना और टेक्नोलॉजी को उसके खेती में यूज़ करना, उससे क्या हो सकता है कि हम सदाबहार क्रांति लाएंगे, जिससे कई फायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि हम खाद्यान्न के मामले में, फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा ये होगा कि जो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमको खेती में हमारी फर्टिलिटी खराब हो रही है सॉइल्स की, वाटर स्कैसिटी वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे हम जलवायु रोधी कृषि कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमको हमारे फूड सिक्योरिटी को बढ़ाएगी और हमारे देश में जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की, उसको भी फुलफिल करेगी, उस ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको देखनी थी। क्वेश्चन नंबर दो हम लोग देखेंगे, जो कि सेकेंड क्वेश्चन आपको मिला है, ये आपको BPSC के GS2 के ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करता है। मैं बता दूं आपको, ये जो BPSC का GS2 का पेपर है उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करता है। जो दूसरा का क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी में है, उसी का क्वेश्चन है, उसका हिंदी में आपको मॉडल आंसर दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है वो मानसून के बारे में है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका मानसून के बारे में है, ठीक है।
मानसून के बारे में, इंडियन मानसून इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स, इलेबरेट एंड डिस्कस इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय मानसून के बारे में पूछा है कि मानसून के बारे में बताइए और ये जो है कैसे हमारे भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपको मानसून को डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज मानसून। मानसून इज एन अरबिक वर्ड, ठीक है ना, ये कैसा है, अरबिक वर्ड है, ये एक अरबिक वर्ड है विच मीन्स मौसम, है ना, मौसम या वेदर। मानसून एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम, ठीक है, और इसके इसका मतलब ये होता है कि इंडियन क्लाइमेट इज ए मानसून टाइप। वर्ल्ड में हर कंट्री जो है अलग अलग क्लाइमेट से डिफाइन किया गया, तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून से डिफाइन किया गया है और इसका जो पूरा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड करता है। लगभग 70% इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल होता है वो इसी से होता है, मानसून से होता है। दो तो टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन अराउंड 140 मिलियन हेक्टेयर, टोटल जो कृषि वाला क्षेत्र है वो 140 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 60% जो है वो किसे है, वो रेन फेड है। ये अपनी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड करता है, वर्षा जल पे निर्भर करता है। और आप सोच सकते हैं कि जब खेती में 60% जो है जमीन जो है वो अगर वर्षा जल पे निर्भर करे तो एग्रीकल्चर के लिए मानसून कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 60% लैंड जो है वो मानसून पे डिपेंड करता है खेती के लिए, तो इसमें जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो मानसून जो है वो हमेशा एक सा नहीं होता है, मानसून के लिए बहुत सारी जो है फैक्टर्स मानसून को डिसाइड करते हैं कि मानसून ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर मानसून अच्छा रहा तो रेनफॉल अच्छी होगी, अगर वीक रहा तो रेनफॉल कम होगी, सूखा पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें भी आप जो है फैक्टर्स को चाहें तो पॉइंट्स में दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप एक सर्किल बना करके पॉइंट्स में आप जो है फैक्टर्स दिखा सकते हैं। मानसून, मानसून को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आप इस तरह से पॉइंट्स को इसमें दिखा सकते हैं। शॉर्ट में आपको खास करके जो फ्लो चार्ट होता है या सर्किल होता है जिसमें आप पॉइंट्स को देखा, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग में दोनों में आपको हेल्प करेगा। इस तरह से अभी आप पॉइंट्स को इसमें दिखा सकते हैं। अब इसमें देखें कौन कौन सा फैक्टर, एल नीनो साउथ ओसिलेशन, एल नीनो वार्म्स कैरेक्टराइज्ड बाय द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये केंद्रीय और पूर्वी, जो केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर है वहाँ पर ये तैयार होता है। आई टेंड टू वीकेंड द इंडियन मानसून। एल नीनो दो तरह के होते हैं, एल नीनो नालिनो। जब एल नीनो होगा तब मानसून क्या होगा, कमज़ोर होगा, सूखा पड़ेगा। तो ये जो है पैसिफिक ओशियन में, खासकर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये रेड ये का होता है, बनता है। और ये क्या करता है, एल नीनो ये जो है मानसून को वीक करता है, ठीक है ना, वीक करता है। और ये जो इन्हेंस द मानसून, ओशियन टेम्परेचर को बढ़ाता है। इंडियन ओशियन डायपोल, ये दूसरा जो पॉइंट है, इंडियन ओशियन डायपोल IOD जो कहते हैं इसको, ये जो है टेम्परेचर एनोमली बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन में बनता है। और पहला वाला जो था वो कहाँ बनता है, पैसिफिक ओशियन में बनता है। ये अपोजिट IOD फेज विथ वार्मर वाटर्स इन द वेस्ट टिपिकली स्ट्रेंथन द मानसून, ये मजबूत करता है, ये मानसून को मजबूत करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मानसून वाइल ए निगेटिव IOD फेज कैन वीकन इट, अगर पॉजिटिव IOD रहा, इंडियन ओशियन डायपोल रहा, तो मानसून मजबूत होगी, और निगेटिव रहा तो वीक होगी। लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंजेस, जो हम लैंड यूज़ करते हैं उससे भी जो है मानसून प्रभावित होता है। कैसे, जैसे जाते होंगे जहाँ पे कम फॉरेस्ट होती है, वहाँ पे कम फॉरेस्ट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट कैसी होती है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस होगी वहाँ पे मानसून क्या होगा, वीक होगा। जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे मानसून मजबूत होगा। तो लैंड आप कैसे यूज़ करते हैं, लैंड कवर आपका कैसा है, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है या नहीं है, ये भी मानसून के वितरण को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्टेड करता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स, जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय वितरण है वो भी जो है लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम सच एज द सब ट्रॉपिकल रिज एंड द मूवमेंट ऑफ प्रेशर सिस्टम लाइक द तिब्बतन हाई इन्फ्लुएंस द मानसून। ये सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स भी है वो भी मानसून के पैटर्न्स को या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। ये भी फैक्टर्स आपको उसमें मेंशन करने होंगे। सोलर रेडिएशन, जो सौर विकिरण है, सूरज से जो आपको रेडिएशन मिल रहा है वो भी मानसून के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन हो गए वहाँ पे मानसून जो है उसकी संभावना क्या होगी, क्लाउड बनेंगे, वहाँ पे रेन वाटर होंगे और वहाँ पे मानसून क्या होगा, मजबूत होगा, मानसून ज़्यादा होगा। अगला है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज भी मानसून को अफेक्ट करता है। जहाँ पे कम क्लाइमेट चेंजेस होंगी, जहाँ पे जलवायु दशाएं जो है सिमिलर होंगी, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, वहाँ पे मानसून अच्छे होंगे। जहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होंगे वहाँ पे मानसून क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। और ये IPCC का रिपोर्ट है, 6 रिपोर्ट में 60% जो है मानसून डिक्लाइन किया, समर मानसून रेनफॉल 1951 से 2015 के बीच में 6% जो है मानसून में डिक्लाइन हुआ है। हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ये वैसी चीज़ें हैं जो आप क्या करते हैं, क्लाउड को रोकती हैं, उसके लिए एक अवरोध पैदा करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्लाउड क्या होता है वहाँ पे ठंडा होता है और बारिश ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें भी जो है मानसून के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट डालती है, उसको प्रभावित करती हैं, इफेक्ट डालती है। अब देखेंगे इंडिया पे
एग्रीकल्चर पे, इंडिया के कृषि पे जो है मानसून का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे मैंने बात की कि इंडिया के कुल एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 60% जो लैंड है वो क्या है, वो मानसून पे डिपेंड करता है इरीगेशन के लिए, वर्षा जल पे, रेनफॉल पे। अब वो रेनफॉल कौन सा होगा, वो मानसून का रेनफॉल होगा। तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी पे जो है मानसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब मानसून अच्छा होगा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जब मानसून कमज़ोर होगा तो क्या होगा कि उत्पादन जो है घटेगा। दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी, जो जल की उपलब्धता है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो अभी भी जो है मानसून पे डिपेंड करती हैं, जैसे हिमालयन की नदियाँ तो एवरग्रीन है, वो ग्लेशियर जो हिमालयन ग्लेशियर है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर है और नॉर्थ इंडिया की भी कुछ रिवर ऐसी हैं जो मानसून पर डिपेंड करती हैं। तो अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ, उस साल सूखा पड़ा, तो मानसून की सूखे पड़ने की वजह से नदियों में जल कम होगा, स्कैसिटी हो जाएगी पानी की, और उस साल जो है वहाँ पे ड्रॉट पड़ने की वजह बन सकता है। और ये जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस को, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा सिंचाई के लिए, तो उत्पादन घटेगा और पीने के जल का भी जो वहाँ पे नुकसान हो सकता है, या उसको जो है स्कैसिटी हो सकती है। तो वाटर एबिलिटी को भी प्रभावित करता है मानसून, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ वाटर एबिलिटी को भी। दूसरा है क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानसून मजबूत हो रहा है तो क्रॉप्स में उत्पादन अच्छा होगा, वीक पड़ रहा है तो उत्पादन कम होगा। तो हमें ऐसी खेती करनी होगी मानसून के हिसाब से, अगर ज़्यादा पड़ रहा कहीं पर, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, मानसून कहीं पर स्ट्रांग है, तो हमको ऐसे क्रॉप्स उत्पादन करने चाहिए जो ज़्यादा पानी को सह सके। और जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, वीक मानसून है, तो वहाँ पर हमको कौन सा उपज उपना चाहिए, जो मोटे अनाज है जिसको कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वैसे अनाज जो है उपजानी चाहिए। तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स है और जो फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स है, हम उसको उसी के अनुसार जो है वहाँ पे उसका उत्पादन करेंगे। इरिगेशन प्लानिंग, जो सिंचाई की योजना है, वो भी जो है अनप्रिडिक्टेड मानसून कैन डिस्टर्ब इरिगेशन प्लानिंग, एज फार्मर्स में नीड टू एडजस्ट देयर इरिगेशन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द मानसून। आज भी हमारे देश के किसान जो है सिंचाई पे पूरी तरह से निर्भर किस पे है, मानसून पे निर्भर करते हैं। तो कहीं पे बारिश किसी साल ज़्यादा हो गई, किसी साल कम हो गई, तो वैसे सिचुएशंस में जो है जो सिंचाई की प्रणाली होगी वो हमारी कैसी होगी, वो भी इसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। फूड सिक्योरिटी, ये जो है फ्लैक्चुएशन इन मानसून, जो मानसून में फ्लैक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी सूखा कभी जो है बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है, तो वो क्या करता है, हमारे फूड सिक्योरिटी को भी प्रभावित करता है। अब फूड सिक्योरिटी भारत जैसे देश में जहाँ से मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रही है, तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी को भी मानसून जो है वो इफेक्ट डालता है, उसको प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी कि मानसून से इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या क्या जो है प्रभाव पड़ सकता है। इसको भी आप चाहें तो फ्लो चार्ट में चाहे ऐसे दिखा सकते हैं या चाहे ऐसे दिखा सकते हैं सारे पॉइंट्स को। पैरा में यूज़ करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन से तो पूरा पैरा यूज़ नहीं करेंगे, उससे आंसर जो है मोनोटोनस हो जाता है, उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो आप जो है एक लॉन्ग आंसर में कम से कम दो पैरा तो यूज़ कर, दो फ्लो चार्ट तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे सर्किल बना के कर सकते हैं, उसमें नंबरिंग आप ज़रूर करेंगे। मैं देखता हूँ बच्चों के आंसर्स में नंबरिंग अजीब तरह से करते हैं, तो आप नंबरिंग 01, 02, 03, 04, 05 इस तरह से करके करेंगे। अब जो भी पॉइंट्स लिखेंगे उसको हेडिंग डाल के इस तरह से जो है उसको लिखेंगे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स आप इस तरह से लिख रहे हैं, सर्किल बनाएंगे, सारे पॉइंट्स को दिखाएंगे, और उसके दो दो से तीन तीन सेंटेंस में जो है सारे पॉइंट्स को इस तरह से जो है आप मेंशन करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि वे फॉरवर्ड टू मिनिमाइज इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इससे आगे क्या हो सकता है कि मानसून से निपटने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर में और क्या क्या कर सकते हैं, कि जितना ज़्यादा मानसून के चेंजेस अगर होते हैं, कभी बारिश ज़्यादा होती है कभी सूखा पड़ता है, तो जो मानसून में फ्लैक्चुएशन आ रहा है उससे हम कैसे निपट सकते हैं, तो उसको निपटने के जो तरीके हैं उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमको एग्रीकल्चर कैसे करना पड़ेगा। हमको अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये होगा, हमें ये काम ये करना पड़ेगा कि जो हम खेती कर रहे हैं उसमें आपने देखा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में विविधताकरण। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी ज़मीन में पूरे साल जो है चावल उपजा रहे हैं या पूरे साल गेहूं उपजा रहे हैं, तो उसको चेंज करके उपजाना पड़ेगा कि एक ही क्रॉप्स नहीं उपजाना है, अलग अलग उसी ज़मीन पे जो है उसी लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स जो है हम खेती करेंगे, या एक ही ज़मीन पे हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स उपजा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, जो हमारा जल प्रबंधन है और जल संरक्षण, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, पानी का कम से कम यूज़ करें, जैसे ड्रॉप इरीगेशन है, इसी को जो कहते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन, खास करके इसराइल में इसकी खेती होती है, सिंचाई में इसका यूज़ करते हैं, ड्रिप वाला स्प्रिंकलर वाला। इसमें क्या होता है, फव्वारे के जरिए एक लंबी सी पाइप होती है, उसके जरिए जो है छींटे भेजे जाते हैं पूरे प्लांट्स पे। तो यहाँ पे हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्टोर करके रखे हैं, जो हमारा तालाब है जो नदी है उसके पानी को हम बचा के रखें, पानी का जो है साइंटिफिक तरीके से रेशनल तरीके से यूज़ करें, वेस्ट ना करें वाटर को, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इनहेंस फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो
मौसम है, मौसम का कैसा वेदर होगा, आने वाले समय में बारिश होगी या ओले पड़ेंगे, सूखा पड़ेगा, तो वेदर फोरकास्टिंग के जरिए हम किसानों को पहले से जागरूक करके रखेंगे ताकि किसान जो उसके अनुसार जो है अपनी खेती का प्रबंधन कर सके, उसी के अनुसार जो है अपना उत्पादन करे या खेती करे। इम्प्रूव इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई प्रणाली को भी सुधार करके जो है अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, चाहे मानसून पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और क्लाइमेट रेसिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिस, मतलब ऐसी कृषि पद्धति जिससे जलवायु प्रतिरोधी हो, मतलब जलवायु का उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। अगर सूखा पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता एग्रीकल्चर में, वहाँ पे कोर्स ग्रेन हो, मोटे अनाज हो, जो मोटे अनाज है ज्वार बाजरा इस तरह मोटे अनाज है, तो ये क्या होते हैं, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे उपज होती हैं जिसको ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादा पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमें ऐसा खेती करना है जो जलवायु प्रतिरोधी हो और उस पर जो है क्लाइमेट चेंज का कोई असर ना पड़े या कम से कम असर पड़े, मिनिमाइज असर पड़े। तो इन ये जो दो क्वेश्चन था इसमें हमने पॉइंट्स देखा कि आप अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो उसको आप कैसे जो है खेती को अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसमें सारे पॉइंट्स को हमने देखा। उसमें हमने ये भी देखा कि एग्जांपल रेनबो रेवोल्यूशन सजेस्टेड बाय एम एस स्वामीनाथन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में इंद्रधनुषी क्रांति, ये भी स्वामीनाथन के दिया हुआ है, इस पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे। वाटर मैनेजमेंट में भी हमने आपको बता दिया कि जो सिंचाई होगी आप उसमें ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के जरिए हम टाइमली किसानों को अवेयर कर सकते हैं कि आप अपना उपज जो है किस मौसम में लगाएं, बीज किस मौसम में उपजाएं, ठीक है ना, लगाएं रोपें और उसमें सिंचाई किस मौसम में करें, ठीक है। और किसानों को एक और तरीका है कि ऑनलाइन मेथड से जोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे किसान हमारे देश के आज भी क्या है, वो जागरूक नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर्स में, वो नहीं पता उनको। आज भी किसान जो है अवैज्ञानिक ढंग से, अनसाइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होता है और खेती का उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी सदाबहार क्रांति में। और दूसरा क्वेश्चन जो इंडियन मानसून था, इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन को, लेकिन इसमें मैंने देखा है कि जो आपको मॉडल आंसर मिला है, इस मॉडल आंसर में आपको पैरा में दिया हुआ है, आप जब आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक चीज़ तो ये है आपका कि फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे, आंसर में फ्लो चार्ट को ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। आप उसमें सर्किल बना सकते हैं, ठीक है, या आप जो है इस तरह से भी पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, अगर कॉपी में इस तरह से पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, इसमें हेडिंग डाल दिया और यहाँ से आप चीज़ें लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह से भी जो है आप अपने पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका तरीका है फ्लो चार्ट बनाने का, आप फ्लो चार्ट को ज़रूर यूज़ करेंगे। फ्लो चार्ट को यूज़ करने से क्या होता है कि आपके पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं और एग्जामिनर की डायरेक्ट नज़र में आ जाता है, ठीक है। और मेन मेन जो पॉइंट्स है, डेटा को जरूर डालेंगे, जो डेटा आपको दिया हुआ है सारे डेटा को उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे और अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है डे टू का जो दो आंसर मिला था आपको, पहला जो क्वेश्चन था वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसमें आप पॉपुलेशन वगैरह दिखाएंगे, गरीब आबादी जनसंख्या, ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो कृषि पद्धति है 1950 आज़ादी के बाद से 47 के बाद से जो खेती हम कर रहे हैं वो कैसी खेती रही है, उससे विशेष फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो समय के हिसाब से खेती में चेंजेस होने चाहिए, जैसे बाकी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो खेती में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। एवर ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, वो हमारे सॉयल के लिए, वो हमारे वाटर मैनेजमेंट्स के लिए, ठीक है, वो हमारे उत्पादन के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे पॉइंट्स को देखा। और दूसरा मानसून है कि मानसून कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है और हमारी खेती 60% जो खेती है आज भी हमारे किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। तो मानसून अगर अच्छा होता है या ख़राब होता है उसका प्रभाव डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस किस पे पड़ेगा, वो खेती पे पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में जब मानसून अच्छा हो बुरा हो, वैसे सिचुएशन में खेती पे उसका कम से कम प्रभाव पड़े, तो खेती हमको कैसे करनी है उसके सारे पॉइंट्स को हमने देखा है। ये दोनों पॉइंट्स को या जब आंसर लिखेंगे दोबारा अगर लिखेंगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और फ्लो चार्ट को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो डे टू में हमने दो क्वेश्चन देखा, अब जो डे थ्री का क्वेश्चन मिला है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वीडियो क्लास में डे थ्री के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखें और आंसर प्रैक्टिस करते रहें।